प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और हमेशा चुनाव की सरगर्मियां बनी रहती हैं। कभी प्रधानमंत्री चुनाव, कभी राष्ट्रपति चुनाव, कभी राज्यसभा चुनाव, कभी विधानसभा चुनाव, कभी लोकसभा चुनाव, कभी पंचायत चुनाव, और इन सरगर्मियों के चलते हमेशा आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चलते रहते हैं, और चलते रहते हमेशा यहाँ पर मुद्दे भी, कभी धार्मिक मुद्दा, कभी बेरोजगारी का मुद्दा, कभी गरीबी का मुद्दा, कभी बयानबाजी का मुद्दा, और कभी एक दूसरे पर, दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का मुद्दा, यहाँ पर मुद्दे हमेशा चर्चा बने रहते हैं। तमाम तरह के मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर भी चर्चा होती रहती है, कि अगर आने वाले कानून की बात करें, या कोई नई कानून की ऊपर चर्चा हो रही हो, या कोई सर्वे हो रहा हो, या कोई कार्रवाई हो रही हो, यहाँ पर जो जंग है, जुबानी जंग, वो हमेशा चलती रहती है। विभिन्नताओं से भरा हमारा देश है, और देश में तमाम तरह की व्यवस्थाएँ लागू हैं, और व्यवस्थाओं को लगातार दुरुस्त करने का प्रयास भी किया जा रहा है। केंद्र सरकार लगातार तमाम तरह के कानूनों को लेकर आई है, और इन कानून का असर भी उतार रही है, प्रभावी किस तरह से हुए हैं। इसके अलावा कुछ चर्चा ऐसी भी होती है जो कि केवल ये अंदाज लगता है कि शायद अब इस पर भी बात होगी, या शायद इस पर भी चर्चा होनी चाहिए, और शायद इस पर भी अब कोई नीति आनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं तो समान नागरिक संहिता की बात भी चल रही है, कॉमन सिविल कोड, तो साथ साथ बात चल रही है इस समय देश में जनसंख्या के ऊपर, लगातार जनसंख्या नीति के ऊपर, बयानबाजी के दौर भी जारी है, तमाम तरह के बयान आ रहे हैं, कोई इसके पक्ष में है, कोई विपक्ष में है। विपक्ष कहता है, बुद्धिजीवी कहते हैं कि चर्चा बेरोजगारी, गरीबी और विकास पर होनी चाहिए, तो सरकार और सत्ताधारी पार्टी के प्रतिनिधि बोलते हैं कि वो तो ठीक है, उस पर तो चर्चा होनी चाहिए, पर साथ ही साथ जिस तरह से लगातार जनसंख्या बढ़ रही है उस पर भी चर्चा अहम है। अहम इसलिए है कि आंकड़ों के हिसाब से 2011 में जब जनसंख्या के हिसाब से जो गणना होती है उसके हिसाब से हमारी जनसंख्या 142 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। ये जनसंख्या वो है जिसके हम पास आंकड़े हैं, जिसके हिसाब से जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, पर कुछ आंकड़े ऐसे हैं जिनके पास कार्ड ही नहीं है, जो कि देश में अवैध रूप से रह रहे हैं, उनकी तो गिनती ही नहीं है। और जनसंख्या हो सकता है कि इसमें 10 करोड़ और जोड़ दी जाए, यानी 150 करोड़ से ऊपर हो चुके हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो 142 करोड़ से ज़्यादा, और अगर आंकड़े ना देखें तो 150 करोड़ से ऊपर। महत्वपूर्ण चर्चा है, कुछ बयान सुनते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। यह असंतुलन जन्मदर एक भाग है उसका, लेकिन जोर जबरदस्ती या छल कपट से, लालच से मतांतरण, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। और जहां सीमा पार से घुसपैठ होती है, वहां घुसपैठ से भी ये होता है। उस संतुलन का भी ध्यान रखना देश हित की दृष्टि से अनिवार्य बात है। और इसलिए जनसंख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू हो, एक बार बनने के बाद किसी को छूट न मिले और समाज इसको स्वीकार करने कर ले, इसलिए उसके लिए मन बनाकर उसको लाया जाए, इसकी आवश्यकता है। भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या को लेके जो कानून बनाने की बात हो रही है, ठीक है, कानून बनना चाहिए, मगर भारत के प्रधानमंत्री जी ने सबके विश्वास की बात की है, सबको विश्वास में लेके चलने की बात की है। हमें दो नज़रिए नहीं रखना चाहिए, एक नज़रिया हिंदुओं के लिए, एक नज़रिया मुसलमानों के लिए। हम हिंदू को अलग निगाह से देखें, मुसलमान को अलग निगाह से देखें, नहीं, हमको दो नज़रिए बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। अगर हिंदुओं की आबादी घट रही है और मुसलमानों की बढ़ रही है तो उसकी वजह क्या है? एजुकेटेड कर देंगे तो खुद ब खुद जनसंख्या कंट्रोल में आ जाएगी। जो पढ़ी लिखी फैमिलीज हैं, चाहे वो जिस धर्म में जिस मजहब में हो, उसमें एक बच्चा, दो बच्चे या बहुत से बहुत तीन बच्चे होते हैं। लिहाजा बढ़ती हुई जनसंख्या बेशक एक समस्या है, मैं भी समझता हूँ, लिहाजा उसका समाधान मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन को है, कि एजुकेशन उन कौमों के अंदर देना जहाँ को एजुकेशन नहीं पहुँची।
देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में जहां बहस शिक्षा पर होनी चाहिए, तालीम पर होनी चाहिए, रोज़गार पर होनी चाहिए, बढ़ते भ्रष्टाचार पर होनी चाहिए, महिलाओं के साथ बलात्कार की रोकथाम के लिए होनी चाहिए, वहां पर आज भी बहस हिंदू और मुसलमानों की आबादी पर हो रही है। जबकि ये बात सबको पता है कि हमारे मुल्क में बहुसंख्यक आबादी हमारे हिंदू भाइयों की है और मुसलमानों की आबादी 2011 के सेंसेक्स के एतबार से मुसलसल घट रही है। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं दो कम्युनिटीज़ के दरमियान तफरीक पैदा करने के लिए और मुद्दे से उनके जहनों को डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके की बहसें और इस तरीके की जनसभाएं की जा रही हैं, जिनका ना तो कोई मकसद है और जिनकी ना तो कोई हकीकत है। इसलिए जो बुनियादी मुद्दे हैं, अगर उन पर बहस की जाए तो यकीनी तौर पर उससे मुल्क का भी भला होगा और हमारे देश को कहीं ना कहीं तरक्की के राहों पर आगे ले जाने से कोई ताकत रोक भी नहीं सकती है। कैसे योजना बनाएंगे, कैसे सर्वे करेंगे, कैसे उनके नाम को छाटेंगे, कैसे इस सारे मिलने वाले लाभ को बंद करेंगे, ये काम आपका है। लेकिन जो हिंदू है, क्योंकि ये संविधान के मूल भावना के खिलाफ है, वो है उसमें कि आरक्षण मिलेगा कौन से अनुसूचित जाति, सिख अनुसूचित जाति को मिलेगा, हिंदू अनुसूचित जाति को मिलेगा, बौद्ध की का भी नाम है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो भारत की धरती पर जो नहीं जन्मे उन पर अगर आप धर्मांतरित होते हैं तो आपको ये आरक्षण नहीं मिलेगा। अगर मिलता है तो ये देश विरोधी है, ये संविधान विरोधी है। फिलहाल महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है, हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आपको रूबरू करा दूं। नेता भाजपा से रामनवास भाई अपना पक्ष रखेंगे, इसमें स्कॉलर के रूप में आरिफ किरबाई भाई अपना पक्ष रखेंगे, सैयद मोहम्मद तकी आम आदमी पार्टी अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस के रूप में प्रदीप भाई अपना पक्ष रखेंगे और प्रवक्ता सपा के रूप में तारिक भाई अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर जो पहला हमारा सवाल रहेगा वो रामनवास भाई से रहेगा। रामनवास भाई, चर्चा इस समय लगातार जारी है, कभी ज्ञानवापी पे होती है, कभी और कोई धार्मिक मुद्दा आता है, कभी श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह पे होने लगती है, पर समय जो चर्चा का विषय है वो लगातार जनसंख्या पर हो रहा है। भाई जरूरी है, जनसंख्या बढ़ रही है और निश्चित रूप से यहाँ पर कोई ना कोई नीति या कोई ना कोई संतुलन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर लगातार जनसंख्या बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं जो संसाधन हैं उनमें कमी आएगी और यही कमी आने वाले समय में दंड का कारण बनेगी, और फिर जब दंड का कारण बनेगी तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली ये बात होगी कि सरकारें आई पर सरकारों ने इस पर कोई काम नहीं किया। कैसे देखते हैं आप? नहीं गौरव जी, बिल्कुल स्पष्ट है कि भी आपने कहा कि 140 करोड़ से 142 करोड़ आबादी हो गई है जी, और चाइना की आबादी भी 140 करोड़ है जी, जी उसका क्षेत्रफल हमसे 6 गुना ज़्यादा है जी, बिल्कुल, और हमारा क्षेत्रफल उससे छठा हिस्सा है जी, और जब उसने 6 गुना ज़्यादा क्षेत्रफल होने के बावजूद उसने कड़ा कानून बनाया जी, एक बच्चे की पॉलिसी किया, फिर दो बच्चे किया, आप शायद सुनने मारा 3 बच्चे के जी, तो कहीं ना कहीं जनसंख्या विस्फोट जी को चाइना ने रोकने का प्रयास किया जी, उसमें कहीं ना कहीं सफल हुआ जी। एक कारण है कि आज देखिए भाई, दुनिया की जो है चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में है जी, तो कहीं ना कहीं भारत को भी सोचना चाहिए जी। जिस प्रकार से इस पर चर्चा होती है जी, और इसको वोट के रूप में जब तक देखेंगे हम आप जी, तब तक निश्चित रूप से देश का नुकसान होगा जी, क्योंकि कम बच्चे होंगे जी, उनकी शिक्षा अच्छी होगी जी, बिल्कुल, और उनको हम एजुकेट करेंगे जी, उनको आगे बढ़ाएंगे। आप देखिए जो बच्चे, जो भी लोग थोड़ा पढ़े लिख गए हैं जी, चाहे हिंदू समाज चाहे मुस्लिम समाज में हो, उनके 2 बच्चे होते हैं जी, 2 बच्चे अच्छे स्कूलों में जाते हैं जी, अच्छी शिक्षा मिलती है उनको जी, और कहीं ना कहीं वो जॉब में हैं जी। मैं गौरव भाई, अभी मैं पिछले महीने एक सर्वे देख रहा था जी, कि जिन लोगों के बच्चे जी 5 से ज़्यादा हैं जी, ऐसे हजारों परिवार देखा मैंने, और जिनके बच्चे 1-2 हैं जी, जिनके बच्चे 5 से ज़्यादा हैं उसमें 1% लोग नौकरी जी कर पाए जी, एजुकेशन में 1% से भी कम है जी, तो कहीं ना कहीं ये नुकसान हो रहा है ना जी। अब उसको वोट बैंक के रूप में देखने के नज़रिया लोगों का अलग है, विपक्ष के तमाम राजनीतिक दल हैं जी, उनको जब कभी इस पर कोई चर्चा कोई व्यक्ति करने का प्रयास करता है जी,
तो ऐसे उसको चारों तरफ घेरते हैं जैसे लग रहा है कि ये व्यक्ति ही देश का दुश्मन है। ये क्यों आरोप लगाते हैं भाई, ध्रुवीकरण कर रहे हैं और ये जो देश हित में है जी, मोदी जी वो सारा काम करेंगे जी। अगर उनकी समझ में आता है कि हमको कानून बनाकर रोकना है, कड़ा कानून बनाना है जी, तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा देर नहीं होगी जी। सरकार को, मोदी जी को जी, जो भी देश हित में निर्णय रहेगा जी, जैसे अभी लगातार आप कई विषयों में चर्चा कर रहे थे जी, लेकिन इस समय जनसंख्या नियंत्रण पे लगातार जी चर्चा हो रही, तमाम लोग उस पर आपत्ति कर रहे हैं जी, और जिन जो लोग इस पर आपत्ति कर रहे हैं जी, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जी, जो बड़े बड़े धर्मगुरु हैं, बड़े बड़े नेता हैं जी, उनके तो एक ही दो बच्चे हैं जी, लेकिन वोट के लिए जिस प्रकार से उनको जी शिक्षा का अभाव रखना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते जी, तो कहीं न कहीं देश के खिलाफ है जी। और मेरा निश्चित रूप से मानना है जी कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए जी, जिससे इससे देश का भला होगा जी। अगर ये नहीं आया जी तो इस देश को बटने से, इस देश को टूटने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, ठीक है। तारिक भाई, भाई यहाँ पर चर्चा लगातार हो रही है और लगातार बयानबाजी का दौर भी जा रही है, ये मुद्दा लगातार सरगर्मी बना हुआ है, समय समय पर इस पर चर्चा होती रहती है और कई नेता और कई बड़े बड़े विद्वान इस पर लेकर अपने बयानबाजी जारी भी कर रहे हैं, बयान भी जारी हो रहे हैं। नीति आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, अगर आनी नहीं चाहिए तो क्यों नहीं आनी चाहिए, अगर आनी चाहिए तो क्या ठोस वजह होनी चाहिए, कैसे देखते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट ने, केंद्र सरकार ने कहा जो इस पे मामला था कि हम इसको जबरन मतलब फोर्सफुली रोक नहीं सकते जी, उसमें कानून की क्या बाध्यता है जी, ये देखने की बात। जनसंख्या कंट्रोल करना बहुत जरूरी है लेकिन ओवर कंट्रोल करना भी नहीं सही। मैं देशों के नाम बताता हूँ जी, जापान, इटली, फ्रांस जी, ये अंडर पॉपुलेशन जी के दबाव में जी, इन्होंने इतना ज्यादा पॉपुलेशन को रोका कि इनकी पॉपुलेशन कम हो जी। जर्मनी में इंसानों के डॉक्टर से ज्यादा कुत्तों के डॉक्टर है क्योंकि लोगों के पास बच्चे नहीं है तो वो कुत्ते पाल लेते हैं जी। हिंदुस्तान को जवान देश कहा जाता है लेकिन करोड़ से ज्यादा तेज बढ़ गई पॉपुलेशन, फर्टिलिटी रेट गौरव भाई 1950 में जी 6% जी, 2022 का जो नेशनल फैमिली का जो सर्वे है उसके हिसाब से 2% है जो रेट है जी, मतलब जो बढ़ोतरी दर है जी, इसका मतलब 4% की कमी आई जी। तो हमने अपने फर्टिलिटी रेट को कंट्रोल तो किया है जी, बिल्कुल किया है क्योंकि तब 6% जी आज, और जो 5-6 फैमिली के सर्वे हुए जी उन सब में सभी धर्मों की जो फर्टिलिटी रेट है जी वो नीचे आई है, जिसमें मुसलमानों की तो सबसे ज्यादा नीचे आई है। अच्छा, अब यह समस्या सिर्फ एक हो जाती है जी, जब आप किसी प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं जी तो आरोप ये लगाते हैं कि उसमें एंगल कोई और पार्टी निकालती है, ये खुद ही उसमें जो कम्युनल एंगल है वो पहले से पैदा करके लेते हैं। अच्छा, इनकी जो अदर रिलेटेड विंग है जी, जो इनका प्रचार प्रसार का काम करती है, नाम आप जानते हैं क्या जी, वो इस तरीके की बातें शुरू कर देती है जी, कि इसके लिए एक पर्टिकुलर तबका ही जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री ने भी कई स्टेट के मुख्यमंत्री ऐसी बात कर देते हैं जी, आपके पास एक ही सर्वे है फैमिली वाला जी, 1992 में 4.5% का दर जी, और आज की डेट में 2.236% का दर मुसलमानों का है। इसका मतलब है कि किसी ने अगर प्रजनन दर में सबसे ज्यादा गिरावट की है तो मुसलमानों ने किया, अब तो वो प्रश्न ही हट गया फिर मुसलमान का जी। इसलिए इसको जो सेक्टर में बांटने की जरूरत है वो ग्रामीण और शहरी में बांटने की जरूरत। अच्छा, ये कितनी प्योर पॉलिटिक्स करते हैं जी कि तुरंत उसमें धर्म का नाम लेके आए। अच्छा, उसका बंटवारा जानते करो भाई कैसे होना चाहिए, असल जी ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र जी, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को और ज्यादा उनके लिए पॉलिसी बनाने की जरूरत है और ज्यादा ट्रेन करने की जी, उसका जो वर्गीकरण ये करते हैं ये धर्म पे आधारित जी, इनकी एक एक चीज। और आप ये कह रहे थे अभी जी कि क्यों आरोप लगाते हैं गौरव भाई, अब गौरव भाई इनकी जो पॉलिसीज है, इनके काम करने का तरीका है जी, वो एंटी मुस्लिम झलक जाता है जी। हल्का अभी सुल्तानपुर में दरोगा खड़े होकर कह रहा है कि मार डालेंगे इन लोगों को, होलिया टाइप कर देंगे, दरोगा को सस्पेंड कर देना चाहिए जी, नहीं कह सकते कोई दरोगा जी,
अधिकार नहीं है कहने का। अरे भाई आरोप तो ये है ना कि जी आरोप तो ये है ना कि अच्छा काम भी करती है तब भी आरोप लग जाते हैं, राशन बांटते तो भी आरोप लग जाते हैं, अगर आवाज देते तब भी आरोप लग जाते हैं। अच्छा ही कर समर्थन हो जाए भाई। नहीं गौरव भाई, आवाज देकर आप एहसान कर रहे हैं क्या जी? आवाज जो बचते हैं जी, वो हिंदुस्तानी नागरिकता से किसी को खारिज किया जा सकता है क्या? अगर हिंदुस्तानी नागरिकता से किसी को खारिज किया जा सकता है तभी आप ये बात कह सकते हैं कि हमने आवाज बांटे या कुछ किया। हम कानून की बात कर, हम ये चाहते अगर कोई तबका ये कहता है कि उसको जो कानून का बेनिफिट है वो इक्वल मिलना चाहिए तो वो गुनहगार हो गया क्या? वो गुनहगार नहीं हुआ। आप स्कीम की बात करते हैं, आप स्कीम में जो आपने स्कीम लेके आए, आपने रोड बनाई तो क्या आप रोड पे एक बैरियर लगाएंगे और कहेंगे कि एक वर्ग के लोग रोड पे चलेंगे बाकी को रोक देंगे? ऐसा कर सकते हैं क्या? जी कभी नहीं कर सकते। तो गौरव भाई जो काम नहीं कर सकते, एक सेकंड रुकिए, आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जी। जो काम आप नहीं कर सकते उसकी बात क्यों करना जी? क्या कॉन्स्टिट्यूशन आपको इसकी इजाजत दे सकता है? बीजेपी के एक एक प्रवक्ता ने रट रखा अच्छा कि हमने योजना दी, हमने घर दिया, हमने उज्ज्वला में दे दिया, गैस कनेक्शन दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, तो आप क्या भेदभाव कर सकते थे उसमें जी? क्या पेट्रोल टंकी पे आप भेदभाव करा सकते हैं कि कोई एक आपकी पार्टी का कार्यकर्ता जाए, कोई कार्ड दिखाए उसको 10 रुपए भी मिल जाते? क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता जी। जो चीज हो नहीं सकती उसकी बहस क्यों करते जी? और जो हो सकता है उस पर बात नहीं करते जी? ठीक है, ठीक है तारिक भाई, ये डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, ठीक है तारिक भाई। प्रदीप भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? प्रदीप भाई, भाई यहाँ पर जनसंख्या नीति पर लगातार चर्चा हो रही है और तमाम तरह के बयान आ रहे हैं और अब हम देख रहे हैं कि माहौल ऐसा बन रहा है कि जनसंख्या पर भी कोई कानून हो सकता है जल्दी आ जाए, क्योंकि सरगर्मियाँ तो ऐसी चल रही हैं। कैसे देखते हैं आप इस जनसंख्या नीति को लेकर? देखिए जब देखेंगे भारत की जनसंख्या तो निश्चित ही जनसंख्या देश की हमारे अधिक है, क्योंकि आप अगर चाइना से तुलना करेंगे या वहाँ पे जिस तरीके से कानून बने उनकी बात करेंगे तो कानून बना देने से जनसंख्या पे नियंत्रण हो जाएगा, इसका कोई सही उदाहरण नहीं मिलता है। अच्छा। चाइना में भी कानून बना मगर उसके बाद भी वहाँ पे आप जाएंगे तो बहुत सारे लोगों के आपको उसके बाद भी 3-3 बच्चे वहाँ पे मिलेंगे आपको। तो कानून बनाने से ज्यादा जरूरी चीज है कि लोगों में जागरूकता पैदा करें, लोगों में किसी वर्ग विशेष में या कहीं पे किसी क्षेत्र में आप जाते हैं, किसी क्षेत्र में अगर जाते हैं तो वहाँ पे अगर उन लोगों के बीच में शिक्षा का अभाव है तो आप उनको शिक्षित करने का काम करिए कि अगर आपके पास में अगर आपके बच्चे कम होंगे, 2 बच्चे होंगे या कम एक बच्चा होगा, जो भी होगा, तो आप उसको अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। तो जरूरी ये है, कानून बना देने से किसी का पालन नहीं करवा सकते। हमारे देश में आप देखेंगे तो बहुत से कानून है, बहुत से कानून बनाए गए और बहुत सख्त कानून बनाए गए, तो क्या इससे क्या वो अपराध कम हो गया? नहीं, कम नहीं हो जाता है। आपको जरूरी है शिक्षित करना, अगर आप शिक्षित करेंगे लोगों को तो निश्चित ही इस दिशा में आप देखेंगे एक अच्छा रिजल्ट आएगा। मगर ये भारतीय जनता पार्टी जब इस तरीके की बयानबाजी करती है कि हम ये ले आएंगे इससे ये फायदा हो जाएगा, तो उसमें उनको ये देखना चाहिए कि उन्हीं के विधायक और सांसद यहाँ पे बयान देते रहते हैं कि नहीं हमको 5 बच्चे पैदा करना है, हमको 6 बच्चे पैदा करना है, हमको उनसे कंपेयर करना है। तो जो माहौल बिगाड़ने का काम है, किसी विशेष वर्ग से जोड़ देने का काम है, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर देते हैं। कम्युनलाइज करने का काम जो काम करती है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। तो वहां पे इन सब चीजों से बच करके शिक्षित करने का काम करना चाहिए। आप लोकसभा में ही देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के 96 ऐसे सांसद हैं जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, 12 ऐसे सांसद हैं जिनके 5 बच्चे हैं, 21 ऐसे सांसद हैं जिनके 4 बच्चे हैं, और 190 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने डेटा कुल संसद में बता रहा हूँ, जिन्होंने अपना डेटा ही नहीं दिया कि उनके कितने बच्चे क्या हैं। तो ये चीज देखने की जरूरत है कि आप शिक्षित करिए लोगों को। बहुत सारे लोग शिक्षित, आप कह रहे हैं कि किसी विशेष वर्ग के, भारतीय जनता पार्टी के, अब जब आप किसी विशेष वर्ग से उसको जोड़ देते हो तो आपने तो किसी विशेष वर्ग के लोगों को अपना टिकट ही नहीं दिया जो आपके सांसद वहां चुन के गए हैं, तो उनके कैसे 4-5 बच्चे हो गए? तो जरूरी है शिक्षित करिए, पहले अपने घर से ही शुरुआत करिए, आप लोगों को समझाइए। शिक्षा के अभाव में ये चीजें हो रही हैं और निश्चित है ये चीज तो मैं मानता हूँ। देखिए जब कांग्रेस के समय में ये चीजें आई, हम लोगों ने ही कहा, तो उस समय पे जो जनसंघ था, जो भारतीय जनता पार्टी
में बाद में परिवर्तित हुआ तो उन लोगों ने विरोध किया उस समय पे, जब हम दो हम हमारे दो का नारा चल रहा था तो लोगों ने उसका विरोध किया उस समय तो, मगर आज बड़ी चीज लेकर के आ रहे हैं तो हम तो स्वागत करते हैं। देखिए कोई कानून अगर सकारात्मक दिशा में लेकर के आएगा तो उसका स्वागत करेंगे, मगर उसके साथ साथ में ये चीज जरूरी है कि आप उस पहले उस दिशा में पहल करिए कि लोगों को शिक्षित करने का काम करिए, और दूसरी अपनी आईटी टीम को इतना संदेश दे दीजिए कि कम से कम वो हर चीज को कम्युनलाइज ना करें, हर चीज को किसी विशेष वर्ग से जोड़ने का काम ना करें। आप कम्युनलाइज करने की कोशिश करते हैं, बीजेपी पोलराइज करने के लिए जनसंख्या नीति की बात कर रही है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा पोलराइज करने के लिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो बीजेपी का आईटी सेल है वो क्या करता है कि कोई कानून बनता नहीं, कोई नियम आता नहीं, उससे पहले ही जोड़ देता कि नहीं इससे इस वर्ग को दिक्कत हो रही है। अच्छा। भाई क्यों दिक्कत होगी, क्यों दिक्कत होगी, मैंने तो देखा है अपने सामाजिक जीवन में देखा है, वो किसी विशेष वर्ग का हो, किसी सामान्य जाति का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जिसके पास थोड़ा सा भी शिक्षा का अभाव है उसके ज्यादा बच्चे हो जाते हैं। अगर आप लोगों को शिक्षित करने का काम करेंगे, जागरूकता फैलाने का काम करेंगे तो निश्चित ही आपको इसमें सफलता हाथ लगेगी, मगर किसी चीज को कम्युनल रंग देने से आपको कहीं भी किसी भी स्तर पर सफल नहीं होने वाले आप। ठीक है, हमारे साथ सैयद मोहम्मद तकी आमनी पार्टी से। तकी भाई, भाई आप तो बड़ा, आप तो देखते ही मुस्कुरा रही है, लगता है कुछ जरूर कुछ ऐसा बोलने वाले हैं, और हमेशा बोलते भी रहते हैं हम, बताइए तकी भाई कैसे देखते इसको आप? देखिए शुरू करो अंताज छड़ी लेके हरि का नाम। अच्छा, समय बिताने के लिए करना है, समय बिताने के बिता रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह के मुद्दे लेके आती है, इससे वक्त और समय लोगों का व्यर्थ होता रहे, बीतता रहे, उसमें यथार्थ कुछ नहीं है। अभी जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 आया है वो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था, सबने पढ़ा होगा, बहुत से पेपर में उसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई थी, और उसके अंदर कुछ बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अभी तारिक खान साहब ने बताया कुछ पॉइंट, उसमें कुछ और पॉइंट थे कि बहुत सारे बच्चे आज ही जो भारत में है 5 साल के अंदर वो माल नरिश्ड होते हैं। अच्छा। उनको ठीक से खाना पीना नहीं मिलता, उनका वेट कम होता है, अंदर वेट होता है, तभी तो ला रहा है, और जिसकी वजह से उनका बौद्धिक विकास नहीं हो पाता। दूसरी बात यह कि यहाँ पे आज भी भारत के अंदर बहुत सारी महिलाएं जो बच्चियां हैं वो कक्षा 8 के बाद पढ़ नहीं पाती, 60% ड्रॉप आउट देखा गया है, कक्षा 8 के बाद नहीं पढ़ पाती है। तीसरी बात मैं कहूंगी, जो रेशियो है फीमेल और मेल का वो घट रहा है, मेल बढ़ रहे हैं, फीमेल घट रही है, जो बहुत ही फैमिली के लिए, बैलेंस के लिए, समाज के बहुत ही गलत बात है। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस पर बात होनी चाहिए। उसमें सर्वे में भी निकला है कि जो आज की डेट में जब जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों के खर्चे बढ़ रहे हैं, लोगों की जिम्मेदारी बढ़ रही है, एजुकेशन बढ़ रही है, तो हर व्यक्ति चाहता है भारत के अंदर। ये भारत के लोगों की खूबी मैंने देखी है, और भारत के लोगों की मैं तारीफ करना चाहूंगा। अच्छा। कि भारत में किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, किसी भी समाज का व्यक्ति, आदिवासी क्यों ना हो, पिछड़ी जाति का क्यों ना हो, मुसलमान क्यों ना हो, सिख क्यों ना हो, जैन क्यों ना हो, वो अपने बच्चे को कैसे भी करके अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहता है। वो एक वक्त खाना नहीं खाना चाहता, वो कहता है खाना नहीं खाएंगे, एक वक्त फाके कर लेंगे, हम व्रत रख लेंगे, भूखे रहेंगे, लेकिन अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाएंगे। ये सोच मैंने भारत के लोगों में देखी है, जिसको हमें बहुत इसका सम्मान करना चाहिए, और बच्चे को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। और जहाँ बच्चे जैसे बहुत सी अंदर जो छोटी छोटी जातियां हैं वहां पे बर्थ ज्यादा हो रही है, क्योंकि उनके यहाँ बच्चे जो है वो आमदनी का सोर्स है, पैसा कमाने का सोर्स है। अच्छा। तो वहाँ पैसा, वहाँ पे आबादी बढ़ने की वजह जो है वो बेरोजगारी है। अच्छा। वो पैसे की कमी है, जिससे उनको लगता है एक बंदा फैमिली का बढ़ेगा तो हमारी अर्निंग और बढ़ जाएगी। अगर एक हमारे 4 बच्चे हैं तो 4 हाथ कमाने वाले 5 बच्चे हो जाएंगे, क्योंकि वो बच्चे उनके काम करने लगते हैं 7-8 साल से। कौन सा वर्ग है ये लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा। ये सभी जगह ये वर्ग पाया जाता है, ये इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, वो किसी जात के बिना ये आपके वर्ग कहीं मिलेंगे। अच्छा। तो जिन लोगों में पढ़ाई लिखाई कमी है, जिन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत लो है, और जिनको लाइफस्टाइल के बारे में कुछ मालूम नहीं, ये उन लोगों के अंदर पाया जाता है। तो ये सर्वे ही बहुत महत्वपूर्ण सर्वे है। सर्वे की बात नहीं, नीति आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, नीति देखते हैं आप, जरूरी है कि नहीं है? देखिए नीति जो है, जो इसमें से सर्वे से पॉइंट निकल के आए ना, नीतियां उनके अनुसार मिलना चाहिए। मोदी जी कहते हैं कि हमारा देश जो दुनिया का सबसे यंग देश है। अच्छा। यहाँ सबसे ज्यादा नौजवान है, आंकड़े बताते हैं, सुन तो लीजिए। नौजवान इसलिए क्योंकि 137 करोड़ आबादी है। हमारे देश की आबादी हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी ताकत है, हमारी ऊर्जा है। हमें उस स्ट्रेंथ को सही से उसको डिजाइन करना है, सही डायरेक्शन में लेके जाना है, और देश को आगे बढ़ाना है। दूसरी बात, अभी जो भाजपा प्रवक्ता राम निवास यादव जी कह रहे थे कि हमारी आबादी चाइना की आबादी के तकरीबन बराबर है, बराबर, बिल्कुल बराबर, लेकिन चाइना जो हमसे
ढाई गुना बड़ा देश है, छह गुना बड़ा देश नहीं है, छह गुना बड़ा देश नहीं है, ढाई गुना बड़ा देश है। और चाइना बहुत फैला भी हुआ है और चाइना में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर गहन चिंतन की जरूरत है, क्योंकि चाइना लगातार कह रहा है कि अभी उसने हांगकांग को पूरा अपने कब्जे में ले लिया, उसने जो है कह दिया ताइवान को भी कब्जे में ले रहा है, अपना देश घोषित दे रहा है, और वहां कांग्रेस में कहा जा रहा है कि जो भारत के हिस्से वो भी हम अपने कब्जे में लेंगे। तो ये चाइना भारत के लिए बहुत गंभीर मुद्दा है, बात अरे मुद्दा वो नहीं अभी, तो हम दोनों तरफ नहीं, चाइना की जब बात आई तो मैंने चाइना की बात करी, ठीक है, ठीक है। और दूसरी बात है कि हमें जैसे हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जी, अपने बहुत सी चीजें उनको व्यवस्थित चिंतन जरूरी है ताकि व्यवस्थित उनको व्यवस्थित करें, हमारी पार्टी क्या रहा है, चिंतन दूसरी तरह का चिंतन करें, चिंतन करें ये किसी वर्ग विशेष को ना लेके आए, किसी धर्म को लेके आए। देखिए भारत जब भारतीय जनता पार्टी के लोग जी और आरएसएस के लोग दिखाते हैं अखंड भारत का नक्शा दिखाते हैं, देखा होगा अखंड भारत का नक्शा आपने, और कहते हैं भाई अशोक बड़ा महान राजा था जी, उसकी तो राज बहुत आगे तक था, अफगानिस्तान ईरान सब उसी के अंदर था, और अखंड भारत में वही दिखाते हैं। तो जब हिंदुस्तान के अंदर सब ईरान भी था और पाकिस्तान भी था, अफगानिस्तान भी था, सारे देश थे, तो मुसलमान तो यहीं से आए, इसी मिट्टी से आए, वो बाहर से कहां आए जी, कैसे कह रहे हैं मुसलमान भारत से, वो भी वो इसी देश भारत, भारत के अंदर ही इस्लाम आया। अच्छा, भारत के क्या पहले जमाने में क्या पासपोर्ट वीजा चलता था क्या? भारत का मानचित्र जो है हमेशा परिवर्तनशील रहा है जी। भारत जो है 14 अगस्त 1947 को कुछ और था जी। और 15 अगस्त 1947 कुछ और था जी। और उसके बाद जब बांग्लादेश बटा भारत का नक्शा कुछ और हो गया जी। आज चाइना कब्जा कर रहा है, कह रहा है उसको लेंगे तो कम करेगा। बाकी भाई मेरा कहना यह है, नीति आप बताइए जरूरी है या नहीं? नीति जरूरी है लेकिन उसको देखने का तरीका, करने का तरीका अलग होना चाहिए जी। मैं बीजेपी के साथ हूँ कि आपके बच्चे का, मैं आप जो बच्चे आप जो है सबको कोई भी नीति जो आप बना रहे अपने घर के लिए तो बना रहे हैं जी, बिल्कुल। आप देश के लिए बना रहे ना, 137 करोड़ आबादी के लिए बना रहे ना जी, बिल्कुल। बीजेपी आरएस के लिए, बीजेपी आरएस के लिए नीति बन रही है नहीं, उनके कार्यकर्ताओं के लिए बन रही है जी। तो जब पूरे देश की बात हो रही है तो आपको पूरे देश को विश्वास में लेना पड़ेगा, और इसका एक ही मकसद है, इसका एक ही तरीका है बहुत अच्छा, वो लोगों को एजुकेट करना, उनको पढ़ाना लिखाना और उनकी लाइफ स्टाइल को, रहने सहने के तरीकों को बदलना, इसके लिए स्कूल बनाना है, अस्पताल बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है और लोगों को उम्मीद करना है और रोजगार देना है, रोजगार देना है। अब तक हल हुई नहीं है, ठीक है, ठीक है, नहीं इस पर सही से काम नहीं, किसी पार्टी ने आप बताइए आजादी के बाद से कांग्रेस ने बहुत सारी योजनाएं बनाई अच्छी है, हो गया। किस पार्टी ने इन मुद्दों पे सही से काम किया अंदर जाके, ठीक है, दूसरे अंदर घुस के काम करने की बात, ठीक है। किरभाई भाई जी, भाई यहाँ पर महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है, आपकी क्या क्या राय है कि नीति आनी चाहिए और आनी चाहिए कैसे आनी चाहिए बताइए। गौरव भाई सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस अहम मुद्दे पर बुलाया, इनवाइट किया और अपनी बात रखने का मौका दिया जी। इसका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपको जी। आज मैं पहली बार जितने भी यहाँ पर प्रवक्ता बैठे हुए हैं सभी की बात से लगभग लगभग सहमत हूँ जी, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा ऐड और करना चाहता हूँ मैं भाई। नीति वाकई में देखिए सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ के देश में जो है वो आबादी है, पॉपुलेशन। चलिए माना आपने, ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल सही। और लेकिन इससे भी बड़ी समस्या, ज्यादा चाइना और कहां लेके चले गए थे भाई, इससे आबादी मैं इस बात से डिसएग्री करता हूं, आबादी समस्या नहीं है, आबादी हमारी स्ट्रेंथ है जी, लेकिन उसको हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं इसलिए हम अव्यवस्थित है, इसलिए समस्या लग रही है, ठीक है। ये आबादी से इस टाइम पे दो समस्या बन के निकल ली जाएगी, इससे भी बड़ी समस्या है एजुकेशन और आपका रोजगार जी। अगर आपके पास एजुकेशन होगी तो जाहिर सी बात है जो और लोग प्रवक्ता बोले हैं उनकी बात से इसमें निकल आएगा, अगर आपके पास एजुकेशन है तो जाहिर सी बात है आप पॉपुलेशन अगर आपको ज्यादा लगेगी आप उतने बच्चे करेंगे जितने को आप अच्छी एजुकेशन दे सके, अच्छी शिक्षा दे सके। सर मैं भी अपनी बात करूं तो मैं भी एक इस्लामिक स्कॉलर हूं, मुस्लिम हूं, और क्या कहते हैं 2012 मेरी शादी हुई है, मेरी 7 साल की एक बेटी है और मेरा भी छोटा परिवार, अच्छी एजुकेशन मेरा टारगेट है, मैं अपनी बच्ची को अच्छी एजुकेशन दे दूं, और यही सबका ही होगा सर। अगर आपके पास एजुकेशन होगी आपकी पॉपुलेशन समस्या है जी। लेकिन इस पे कानून आना चाहिए, बिल्कुल हम समर्थन करते हैं, कानून आएगा 137 करोड़ की आबादी के लिए आएगा, 140 करोड़ की आबादी के लिए आएगा, पर्टिकुलर हमारे लिए नहीं आएगा, लेकिन इस क्या कहते हैं जो भी कानून आए, जो भी नियम आए वो टारगेटेड नहीं होना चाहिए, सिर्फ हमारा उद्देश्य यही है, टारगेटेड आप नहीं करिए, देश की भलाई के लिए आप जो करिए हम आपके साथ हैं, हम नहीं पूरा देश आपके साथ है जी। आपको सबसे बड़ी समस्या आपकी रोजगार की है, आपको क्या लगता है अरे भाई यार टारगेट किया जाता है,
जी फिर से बोलिए, आपको क्यों लगता है कि यहाँ पर टारगेट किया जाता है? सर आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का बयान सुन के ही लगता है कि क्या कहते हैं, बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है। अभी आपने रिसेंटली देखिए, हर चीज में आप जो है माइनॉरिटी का एंगल बना देते हैं। अच्छा। आप बिल्कुल करिए, अभी प्रवेश वर्मा जी का वायरल हो रखा है, उनका एकदम बहिष्कार कर दीजिए, बायकॉट कर दीजिए। अच्छा। उत्तराखंड में धर्म संसद होती है जी। तो इसलिए लगता है कि टारगेट, आप अगर देखिए कोई कानून अगर आप बना रहे हैं तो वो सबके लिए है, लेकिन इसमें टारगेटेड नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए हम टारगेट नहीं किया था तो कानून में क्यों टारगेट किया जाएगा? मैं बता रहा हूँ आपको, अभी जैसे आप राशन बांटने की बात कर रहे थे, हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता साहब सबको दिया गया। सर आप ही के स्टेट के मुख्यमंत्री साहब का स्टेटमेंट है कि पहले का राशन का राशन अब्बा जान खा जाते थे, किसको टारगेट किया उन्होंने? 80-20 की बात उन्होंने करी, हमने नहीं करी। अच्छा। हम तो स्वागत कर रहे हैं कि अगर आप कोई देश हित में काम कर रहे हैं तो बिल्कुल तहे दिल से स्वागत है आपका, तहे दिल से इस्तकबाल है कि आप बिल्कुल काम करिए, देश हित में करिए और हम लोग आपके साथ हैं, लेकिन टारगेट नहीं होना चाहिए। अगर आप हमारे मुख्यमंत्री हैं तो सबके मुख्यमंत्री हैं, पर्टिकुलर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है। अगर क्या कहते हैं, मुसलमान आपको सपोर्ट नहीं करता कुछ परसेंट, लेकिन क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री आप मुसलमान के भी हैं, ऐसा नहीं कि आप भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, हम आपको डिनाय कर दें कि आप हमारे मुख्यमंत्री नहीं है। तो ऐसी बातें आपके मुंह से शोभा नहीं देती, जैसा कि आपने 80-20 की बात करी, पहले का राशन कार्ड अब्बा जान खा जाते थे। तो आपकी समस्या, सबसे बड़ी समस्या है एजुकेशन और आपका रोजगार। अगर एजुकेशन रोजगार आपने दिया तो 100% आपका पॉपुलेशन में रिजल्ट मिलेगा, आपका हर आदमी समर्थन करेगा, हर व्यक्ति देश का अंतिम व्यक्ति भी समर्थन करेगा अगर आपके ये कानून लाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या, आप रोजगार पे बात नहीं करेंगे, आप क्या कहते हैं एजुकेशन पे बात नहीं करेंगे। आप देखिए ना, जो गरीब तबका है उनकी स्कॉलरशिप वगैरह नहीं आ रही है। अच्छा। और क्या कहते हैं, एजुकेशन में हमारा देश बहुत पीछे जा रहा है और हंगर इंडेक्स में मुझे लगता है 200, मैं श्योर नहीं हूँ, 206वें नंबर पे हमारा देश पहुंच गया है, भुखमरी के तहत 176, चलिए 176 आपकी सही। तो ये समस्या है, हंगर इंडेक्स हमें समझ में नहीं आता है कि WHO ने 14.5 करोड़ लोगों को बताया कि उन्होंने राशन बांटा गया WHO ने, और अकेले भारत में 80 करोड़ लोगों को राशन दिया गया, कैसा हंगा इंडेक्स है मेरी समझ से बाहर है। सर ये देखिए, जैसे आपने बताया ना कि मैं फिर सर एक लास्ट कमेंट और ले लीजिए, जैसे आपने कहा कि 180 करोड़ लोगों को बांटा गया राशन, बांटा गया 80 करोड़ लोगों को बांटा गया, सर आप खुद बताइए कि 80 करोड़ लोगों को, हंगर इंडेक्स की बात कर रहा हूं मैं वही कह रहा हूं, 80 करोड़ लोगों पर कैसे इंडेक्स में नीचे आ गया? सर मैं बता रहा हूं, देखिए ना, 80 करोड़ लोगों को आपने क्यों बांटा? सर सवाल तो यही उठता है जी कि भाई 80 करोड़ लोगों को आपको राशन देने की क्या जरूरत है? बांटा गया तो कोरोना के चलते सर, तो कोरोना के पहले क्या राशन कार्ड नहीं वितरण होता था जी? उससे पहले भी होता था जी, अभी भी होता है सर जी, मौके पे चल रहा है, कोरोना तो अब तो नहीं है जी, लेकिन अभी भी सर दिया जा रहा है जी। तो सर ये राशन क्या बांटना क्या कहते हैं कहाँ तक सही है? अच्छा। अगर उनके पास रोजगार रहेगा। अच्छा, बंद करवा दीजिए इसकी। बिल्कुल सर, रोजगार दे दीजिए, हमें जरूरत ही नहीं राशन की, हम क्या करेंगे राशन का? ठीक है भाई, राशन उस व्यक्ति के लिए होना चाहिए कि जिसके पास क्या कहते हैं खाने की समस्या हो, सहयोग करना चाहिए। ठीक है ना, तो आप सर रोजगार दीजिए, एजुकेशन दीजिए, और मैं आपकी क्या कहते हैं बिल्कुल स्वागत करता हूँ सर, अगर क्या कहते हैं पॉपुलेशन बनाना चाहिए। ठीक है, रमेश भाई अपनी बात पूरी करिए। नहीं गौरव जी, अभी सारे प्रवक्ता बंधुओं की बात सुन रहा था मैं जी, मतलब कैसा मतलब मन ही खराब है इन लोगों का। अच्छा, कि किस तरह से पहले से ही, किसका मन खराब है भाई? टारगेट भाई, जैसे चाहे तारिक भाई हो चाहे प्रदीप जी हों जी, जबकि इनके जो नेता जिनको अपना नेता मानते हैं जी, उनके पास दो ही बच्चे हैं जी, वो अपने बच्चे नहीं बढ़ाएंगे, उनको पता है कि अगर 5 बच्चे हो गए जी तो हमको समस्या आएगी। अच्छा, लेकिन जिनसे वोट लेना उनसे कहेंगे कि आप बच्चे बढ़ाओ बढ़ाओ। अभी जैसे किदवई साहब कह रहे थे जी, मैं कई चीज़ें बताना चाहूँगा। जैसे अभी हमारे देश में लगभग 80 करोड़ से ज़्यादा, लगभग 82 करोड़ के आसपास लोगों को राशन दिया जा रहा है जी, एक भी व्यक्ति नहीं कह सकता है जी कि हमको जात या धर्म के आधार पर हमका हमको कुछ प्रताड़ित किया गया, हमसे कुछ किया गया। किदवई जी नहीं, बात सुनने क्षमता रखिए, देश में लगभग 12 करोड़ किसानों किसान सम्मान निधि जा रही जी, एक भी किसान ने नहीं कहा होगा जी कि हमसे जाति धर्म के आधार पूछा गया जी। इसी देश में जी लगभग 3 करोड़ आवास दिए गए जी, और अभी लगातार दिए जा रहे हैं जी। किसी भी लाभार्थी ने नहीं कहा जी कि हमको जाति धर्म के आधार पर जी भेदभाव किया गया जी। इसी देश में
45 करोड़ 66 लाख जो है जनधन खाते खोले गए, उनके खातों में 10,000 रुपए उनको निकालने की सुविधा दी गई। किसी ने भी नहीं कहा जो है कि जो है भाई 45-46 करोड़ आबादी कम नहीं होती, 80 करोड़ आबादी कम किसी ने नहीं कहा, लेकिन राजनीतिक व्यक्ति जिनको राजनीतिक रोटियां सेकनी है उनको उसमें जाति धर्म दिखने लगी। अच्छा, मैं तो कहता हूं कि ये देश हमारा है, देश आपका है, ये समाज है, ये राष्ट्र है, सबका भाई, सबका। अगर ये सब रहेगा जी, अगर देश सुरक्षित रहेगा जी, और यहाँ के लोग अच्छी शिक्षा पाएंगे, अच्छा पढ़ाई करेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा रहेंगे, तो देश हमारा आगे बढ़ेगा जी। हम कहते हैं कि हमारे पास 50 करोड़ की आबादी हो जी, और बढ़ जाए, लेकिन अगर उसमें 150 करोड़ लोग भूखों मरे, फड़कों पर मरे, तो 50 करोड़ कौन बचाएगा जी? उनको वही 150 करोड़ लोग खा जाएंगे, क्योंकि भुखमरी और बेरोजगारी ऐसी चीज है। तो हंगर इंडेक्स में आप नीचे आए हैं। नहीं, वो तो देखिए है क्या ना, आपने कहा ना कि WHO चाइना के सारे चलता है जी, और तमाम अपने देश राजनीतिक दल जी चाइना के सारे काम करते हैं जी, उनको यहाँ नहीं दिखता है जी। अगर देश में किसी ने एक भाई, अभी जैसे किदवई साहब कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब्बा जान खा जाते थे जी, आपने सुना नहीं, उन्होंने कहा कि जो पहले के थे जो भ्रष्टाचारी जी, वो सीधे पिछली सरकार को बोला था उन्होंने। अच्छा, कि उनके कार्यकाल में सारा जो है पैसा और सारा राशन कुछ लोग माफिया लोग खा जाते थे। अच्छा, आज हमारे यहाँ अंगूठा लगता है, उसकी स्क्रीनिंग होती है, तब पैसा मिलता है, तब खाते में पैसा जो जाता है पैसा जी। आज अगर 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को किसान सम्मान निधि मिल रही है तो एक क्लिक पे खाते में जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगभग 16 करोड़ रुपए दिए, अगर ये बीच में लोगों के द्वारा आता जी, तो क्या इतना पैसा पहुंचता जी? अरे कांग्रेस के मेरे मित्र हैं, इनके प्रधानमंत्री जी ने उस समय कहा था जी, कि हम 100 पैसे भेजते हैं जी, देश में नीचे 15 पैसे जाते हैं जी, लेकिन आज किसी माइक लाल की हैसियत है अगर मोदी जी ने 100 रुपए भेजा जी, 1 रुपए कम कर दे जी, किसी माइक लाल हैसियत नहीं जी। तो अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, देश हित में काम कर रहा है जी, आपने देखा होगा 5-7 सालों में जी देश की ग्रोथ कितनी बढ़ी जी, देश का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा जी, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी आंखों में पट्टी बंधी है, उनको नहीं दिखता है। पट्टी बंधी तो ऐसे लोगों से हमको सावधान रहने जरूरत है जी। देश रहेगा, देश आगे बढ़ेगा जी, तो हम सबका विकास होगा भाई। ठीक है तारिक भाई, अपनी बात पूरी करिए। तारिक भाई जी, अभी तमाम से बताया कि ये ग्रोथ किया और 82 करोड़ लोगों को राशन दिया, ठीक है जी, 12 करोड़ लोगों को किसान सम्मान निधि दी, ठीक है, जगह जगह ई KYC की जा रही है कि सम्मान निधि के लिए जी। ई KYC मतलब होता है नो योर कस्टमर जी, उसको भराने के लिए यानी KYC करने के लिए कमीशन और दूसरी चीजें मांगी जा रही जी। गौरव भाई, जगह जगह जिलों जिलों में ये समस्या आई और कई मुख्य पेपरों ने इस चीज को छापा जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो योजनाओं का बेनिफिट है जी, जो योजनाओं का क्रेडिट है वो भाजपा ले जी, मगर अगर विपक्षी दल बताते हैं कि इनमें कुछ कमियां हैं, ऐसे तो कांग्रेस को पूरा क्रेडिट मिल जाना चाहिए जो कुछ हुआ हिंदुस्तान में जी, क्योंकि बचे हुए टाइम में ज्यादातर राज उन्होंने ही किया है। सही बात है, पूरा क्रेडिट मिल जाना चाहिए जी, क्या क्रेडिट ले रहे हैं फिर ये जी। अगर विपक्ष ये बात कह रहा है जी कि आप 12 करोड़ रुपए को 12 करोड़ लोगों को सम्मान निधि दे रहे हैं, स्वागत है जी, लेकिन ई KYC में गड़बड़ी हो रही जी, मुख्य पेपरों ने छापा था जी कि ई KYC कराने के नाम पर बैंक कह रहे हैं जी कि पैसा नहीं। अच्छा, बगैर ई KYC के गौरव भाई, मेरे सामने भी कई मामले हैं, मैंने बैंक से बात नहीं। तारीख भाई, ये किसी बैंक का नाम बता सकते हैं जी? क्योंकि देखिए मंच पे बैठ के यहाँ आलोचना करना आसान है, लेकिन मैं कहता हूँ पूरे देश में बैंकों से ज्यादा विश्वसनीय कोई संस्थान नहीं है आज डेट में, कि बैंकों ने मेहनत करके ये सब काम किया और एक भी पैसा किसी की हैसियत नहीं बीच में रोकने की जी। सर पंजाब ये सारे बैंक जो आप प्रेविडेंस किए जा रहे हैं, बैंकों की प्रोविडेंस पे आपको पूरा विश्वास है, तो पंजाब नेशनल बैंक और आपका और सारे बैंक जो है आप क्यों विलीन किए जा रहे हैं, क्यों बंद किए जा रहे हैं, क्यों प्रेविडेंस किए जा रहे हैं, बैंकों से काम कराइए फिर आप। और गौरव भाई जी, हमें 2 मिनट का टाइम। बोले 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 बोले, देखिए मैं यही कह रहा हूँ जी कि इनका कहना है कि ये सारी जो डायरेक्ट बेनिफिट है जी, इसकी स्टार्टिंग किसने की थी, मोदी जी ने की थी क्या जी? ऐसे तो कांग्रेस प्रवक्ता इनके ऊपर फाट पड़े कि जो डायरेक्ट बेनिफिट था वो आपने स्टार्ट ही नहीं किया था। मैं यही कह रहा हूँ, ये सिर्फ क्रेडिट लेना जी,
और हम कमी बताते हैं तो एक बैंक का नाम बताए, 75 बैंक का नाम बताऊंगा मैं। इंडियन बैंक में देखे थे, मैंने मैनेजर से बात किया, मैंने कहा इसकी केवाईसी क्यों नहीं हो रही है, क्या दिक्कत है भाई जी, उसको पैसा नहीं मिल रहा है उसके, जब तक ही केवाईसी नहीं होगी पैसा नहीं आएगा। डायरेक्ट बेनिफिट कांग्रेस का दिया हुआ था, आप क्यों लेना चाहते, कांग्रेस लेके आई थी उसको, अब मोदी जी पैसा भेजने डायरेक्ट जा रहे हैं, उसका भी आप क्रेडिट लेंगे। नहीं, किसान सम्मान निधि कांग्रेस नहीं लाई थी, कांग्रेस तो खाली बेवकूफ बनाती थी, किसान सम्मान निधि काम मोदी जी ने दिया। जवाब दे लीजिएगा, जवाब लू, किसान सम्मान निधि मोदी जी ने दिया जी, मैं मान रहा हूँ उसको, डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी नहीं हूँ कि हर बात को डिनाई कर दूं जी, मगर जो डायरेक्ट खाते में जाती है उसकी शुरुआत आपने नहीं की थी, डीबीटी, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट की किसी और ने की थी, डीबीटी जी, उस पे चर्चा उनके प्रवक्ता करें, मैं क्यों करूं जी, उसके भी आप क्रेडिट लेना चाहते हैं जी। आपने अभी बताया कि हिंदुस्तान की ग्रोथ बहुत बढ़ गई, कितनी बढ़ी है भाई बताए जरा, अभी करंट ग्रोथ रेट कितना है जी जानना चाहता हूँ मैं, पिछले 4-5 साल में कितना ग्रोथ रेट हुआ, किस दर से हिंदुस्तान ने ग्रो किया जी, क्या हवाई बातें कर, कुछ भी कह देंगे और उसके बाद कहेंगे कि विपक्ष को ब्लेम करेंगे। डायरेक्ट सवाल पूछा मैंने, कहा ई केवाईसी नहीं हो पा रही है, बता दिया कि सब जगह सही हो रहा है जी, सिरे से खारिज जी, ये नीति है गौरव भाई भाजपा की। अभी मदरसे का टॉपिक ले आइए आप, हिंदू मुसलमान ले आइए, बड़ा मजा आने लगेगा। अच्छा, लेकिन इसमें फंस जाते हैं ये लोग। अच्छा। ग्रोथ की बात करोगे, जॉब की बात करोगे, आप जनसंख्या की बात लेके आए, अभी तकी भाई बाकी लोगों ने बहुत ही आप समझ लीजिए बहुत ही क्वालिटी बात करी है जी, बिल्कुल, कि जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है जी, बिल्कुल, और जो मैल न्यूट्रिशन है वो बच्चे जल्दी उनकी डेथ हुई जा रही है, हिंदुस्तान उसमें बहुत आगे जी, बिल्कुल की बात इन लोगों ने। अभी गौरव भाई आप एक ज्ञान वापी का मुद्दा उठा लीजिए, अभी 15 दिन चलेगा, ये लोग खूब बात करेंगे कि वही बनेगा वही बनेगा, एक बार नहीं कहेंगे कि जो कोर्ट कहेगा कर लिया जाएगा जी। ये मुद्दे जिन पे बात होनी चाहिए गौरव भाई सुबह से लेकर शाम तक जी, लेकिन इसमें भी ये जी, अभी आप कुछ ही दिन जैसे ही ये मुद्दा इस पे होगा कि कानून बनने को आएगा ये ले आएंगे कि इसके जिम्मेदार मुसलमान है। अच्छा, हाँ ये घूम के आएगा जी, ये लेके आएंगे वहां, ठीक है ठीक है। और इनके नेता पूर्व के टाइम में, एक सेकंड बस कंप्लीट कर रहा हूँ, 5 सेकंड जी, पूर्व के टाइम में गौरव भाई कह चुके हैं, मैं सबके स्टेटमेंट बताऊंगा आपको, टाइम वेस्ट होगा, आप जानते हैं जी कि ये 40 बच्चे 6 बच्चे 5 शादियां 4 शादियां, बताइए आप मुझे किसकी 4 शादियां जी, तो क्या क्या मतलब, इन्हीं के सांसद जी उन्हीं की, सब लोग 1-2-3 शादियां करते हैं। अभी मैंने देखा मध्य प्रदेश करवा चौथ पे मध्य प्रदेश के एक सांसद साहब थे, उनकी 2 बीवियां थी एक साथ। तो मैं कह रहा हूं हमारे यहां कई सभ्यताएं जी, कई तरीके के मानने वाले लोग हैं जी, बिल्कुल, उसमें मल्टीपल शादियां भी होती है, उसमें मुसलमान भी है जी, लेकिन क्योंकि उनका वोट थोड़ा सा है, उनको पकड़े रहना और उनको एक साइड करते रहना ताकि अदर साइड वालों को लगे कि ये परेशान हो रहे, इनका वोट मजबूत होता रहे जी, ये हर चीज में ढूंढना है, गड़बड़ हो जाए। ठीक ठीक है, प्रदीप भाई अपनी बात पूरी करिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता महोदय ने आज डिबेट जो थी जनसंख्या नीति को लेकर के उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करी प्रधानमंत्री की तारीफों के पुल बांधने को लेकर के, बांध बताते रहे कि प्रधानमंत्री की वजह से आज बैंकों में डायरेक्ट पैसा आ रहा है किसानों का सम्मान निधि का, ये भूल जाते हैं कि उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया था, इंदिरा गांधी जी थी जिन्होंने उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, आपकी तरीके से ये नहीं किया कि बैंकों को खत्म करने का काम करें, वो इंदिरा गांधी जी थी जिन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और बैंकों में लोगों के खाते थे जिनमें आज आप बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हैं कि हम पैसे का ट्रांसफर कर रहे हैं, और पैसे का ट्रांसफर क्या कर रहे हैं आप, पैसे एक तरफ तो किसानों को कह रहे हैं कि हम पैसे का ट्रांसफर कर रहे हैं मगर दूसरी तरफ आप भूल जाते हैं कि उन्हीं किसानों के लिए आप काला कानून लेकर के आए थे जिसमें 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, तो आपने क्या उस पर माफी मांगी कि किसान शहीद हो गए, क्या उस पर प्रधानमंत्री जी ने संवेदना व्यक्त की, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे किसानों को लेकर के, उसके बाद आप कहते हैं कि हमने ये योजना कर दी, आपने किसी एक योजना को धरातल पे तो लागू ही नहीं किया, सिर्फ प्रधानमंत्री जी के पास एक ही काम है कि योजनाओं का शिलान्यास कर देना उसके बाद भूल जाना, जब चुनाव आता है तो बड़ी बड़ी योजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के द्वारा टूरिज्म के माध्यम से किया जाने लगता है। आप देखेंगे जब प्रधानमंत्री जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि गंगा माँ ने बुलाया है
और उसी के तहत उन्होंने नमामि गंगे परियोजना चालू करी, 20,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन हुआ उसपे। भूल गए प्रधानमंत्री जी, आज उस माँ को भूल गए, वो माँ भी धिक्कार रही होगी ऐसे बेटे को, वो भूल गए कि कितनी कानपुर में चले जाइए तो आप देखेंगे गंदगी जो हाल है गंगा माँ का, मतलब कहने में शर्म आ रही है। दूसरी चीज, आपने कहा था कि हम स्मार्ट सिटी बना देंगे, सबसे ज्यादा स्मार्ट सिटी के नाम पे सुन है, एक स्मार्ट सिटी आप नहीं बता पाएंगे। सारे सांसदों को आपने गांव कहाँ खोद ले लो, पैसा भ्रष्टाचार आप बात करते हैं, कितने गांव बताइए आपने सांसदों ने उनको विकसित कर दिया, कोई गांव सारा का सारा पैसा भ्रष्टाचार को ले डूबा। आप लाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लेकर के आते हैं, 80% से ज्यादा पैसा आप अपने प्रचार प्रसार पे खर्चा कर देते हैं, तो धरातल पे अगर आप गौरव जी देखेंगे तो सिर्फ शून्य नजर आएगा। इनकी कथनी और करनी में वैसे ही अंतर है जैसे कि आप जब 15 लाख की बात करते हैं उसके बाद आपके गृह मंत्री उस समय के जो आपके भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं वो तो जुमला था भाई, हमने तो जुमला कहा था। तो आपकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। आपको बात करनी चाहिए कि हाँ ठीक है जनसंख्या नीति लेके आ रहे हैं, साथ साथ में हम जागरूकता कार्यक्रम भी चलाएंगे, लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे, मगर आप क्या करते हैं हर चीज को कम्युनल करना चाहते हैं, हर चीज में आपका एक एंगल घुसोड़ देते हैं कि कम्युनल हो जाए किसी तरीके से। आपकी आईटी सेल जो है इस चीज में माहिर है, वो विपक्षी उस चीज को कहे ना कहे, किसी वर्ग को उससे दिक्कत हो या ना हो, मगर तथाकथित आपके जो बीजेपी के आईटी सेल वाले हैं वो एक ना एक मुद्दा तैयार करके रख देते हैं इस तरीके का कि देश में माहौल खराब हो। चर्चा होनी चाहिए, चर्चा सार्थक चर्चा होनी चाहिए, मगर उस चीज पे नहीं, सार्थक चर्चा नहीं होगी। आपको खुद बताना चाहिए कि आपने इसके लिए जागरूकता प्रोग्राम पहले से चलाए, नहीं चला रहे, कोई भी जागरूकता प्रोग्राम चला रहे हैं क्या? कि जब नीति आएगी उसके बाद आप सख्ती कर देंगे इतनी ज्यादा, सख्ती करने से कोई चीज नहीं बदलती है, आपको लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, जागरूकता अभियान चलाने पड़ेंगे, तब जाकर के इस देश में कुछ बदलाव आएगा। पूरी करिए, देखिए मैं कह रहा हूँ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्वे है और किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी है कि अपनी पॉपुलेशन को सही से जान पाए। अभी भी हमारे पास अपनी पॉपुलेशन को लेके आबादी को लेके सही जानकारियां नहीं है, इसके वजह से हम सही से नीतियां नहीं बना पाते। हमें आज भी नहीं पता हमारे देश के अंदर डायबिटीज के कितने पेशेंट है, हमारे पास कैंसर के कितने पेशेंट है, पोलियो के कितने पेशेंट है, हमारे कितने लोग संक्रमण जो फैलने वाली बीमारी से मरते हैं, कितने लोग आजकल देखिए लखनऊ में डेंगू लगातार फैल रहा है, डेंगू तो छूत बीमारी नहीं है लेकिन लगातार डेंगू के पेशेंट बढ़ते चले जा रहे हैं, अस्पताल पूरे भरे हुए हैं, अस्पतालों में जगह नहीं है, नर्सिंग होम भरे हुए हैं, वहाँ पेशेंट को लूटा जा रहा है। अभी देखना आपने प्रयागराज के अंदर, प्रयागराज के अंदर जो है वहाँ प्लेटलेट की जगह मौसम्बी का जू चढ़ा दिया गया, वो पेशेंट की डेथ हो गई। तो जब आप सही डेटा नहीं रखेंगे, जैसे बीजेपी का जो एनडीए उसका नाम को फुल फॉर्म ही लोग कहते थे नो डेटा अवेलेबल, जब डेटा ही अवेलेबल नहीं होगा तो आप नीतियां कैसे बनाएंगे? क्या ऐसे जो आपने आंकड़े बोले क्या ये राज्यवार नहीं बनाए जा सकते हैं जी? क्या नेशनल हेल्थ सर्वे इसको बनाएगा? क्या राज्यवार ये आंकड़े नहीं जुटा जा सकते? नेशनल हेल्थ सर्वे ही तो पूरे देश का सर्वे बनाएगा, नहीं राज्यवार जुटाए जा सकते? नहीं जुटाए, बिल्कुल ना सकते, वो दिल्ली जुटाए गए हैं, वो स्कीम बनाएगा, दिल्ली जुटाए गए तो भैया उसके लिए स्ट्रक्चर तो बनाना पड़ेगा नेशनल हेल्थ को। दिल्ली में आपने बनाया नहीं बनाया? हमने बनाए, देख किसी स्टेट का अगर काम करवाना है तो सेंटर को करवाना पड़ेगा ना, सेंटर कहेगा भाई बताइए आपके राज्य में आप लोग सुन लीजिए जी, अब मैं किसी पे दोष नहीं डाल रहा हूँ बीजेपी पे, आप गलत तरफ लेके जा रहे डायरेक्शन को, मैं कह रहा हूँ सेंटर का काम है कि हर राज्य को वो ये नोटिस भेजे कि आप अपने राज्य से हमें आंकड़े उपलब्ध कराइए और हम आपको उपलब्ध कराने के लिए 50% बजट देंगे, 50% बजट आपका होगा, ये हम स्टाफ देंगे, इनको ट्रेनिंग देंगे, ये ना प्रोग्राम हमारा है, ये तो प्रोग्राम बनाना है नेशनल लेवल के ऊपर, एक केंद्र की सरकार अगर केंद्र नहीं उठा रहा तो आपको जिम्मेदारी नहीं होती है कि अगर राज्य को आगाह करे? तमाम मुद्दे ऐसे होते हैं लेवल को उठाए जाते हैं, बिल्कुल हमने जो है वो उस पर काम किया। आप देखिए कल परसों एक फोटो आई थी मोदी जी जो हैं वो 5 बच्चों के साथ क्लासरूम में बैठे हैं। अच्छा, अब बाहर लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर आप सुनिए, आप उत्तर प्रदेश के अंदर 5 करोड़ से ज्यादा विद्यार्थी हैं, अगर वो 5 बच्चों पे एक टीचर बैठे हुए हैं तो आप सुनिए कि हमारे यहाँ 1 करोड़ टीचर चाहिए हमें जी, तो कितने टीचर हम आया, तो अभी भी अगर उसको आबादी पांच हमने कहा मजाक में कह दिया हमने, लेकिन उसको 4 गुना कर दे हम 20 कर दे या 40 बच्चे कर दे तो कितने टीचर चाहिए हमें, उसके लिए कितने टीचर हमारे पास, सारी चीजें जो है सारी डिजाइनिंग जो होगी नेशनल लेवल के ऊपर जो भी स्कीम बनेगी वो डेटा पे बनेगी, हमारे पास डेटा नहीं है और डेटा पे सही काम भारत वो देश है जहाँ डेटा पे सही काम नहीं हो रहा है, सिर्फ महिमा मंडल पे काम हो रहा है। परसों दिवाली के दिन कितने चिराग जलेंगे,
जी, उनका नाम नंबर तो पता है कि हमने तेकड़ों चिराग जला दिए, अच्छी बात है जी, लेकिन लोगों घर में चिराग जले ना, जो डेंगू के पेशेंट आज एडमिट है, त्योहार मनाया जा रहा है, क्या अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, आप त्योहार और अच्छे से बनाइए, लेकिन मुझे बताइए जो मरीज बेचारे इस वक्त अस्पताल में एडमिट है डेंगू की वजह से, और नगर निगम में भ्रष्टाचार की वजह से डेंगू फैला बहुत तेजी से, उनके घरों में चिराग नहीं जल रहे हैं, उनके परिवार वाले अस्पतालों की चक्कर लगा रहे हैं, अच्छा उनके घर में तो चिराग जलना चाहिए, ठीक है, कोरोना के दौरान रामनाथ भाई भाई अब बात तो सही है भाई, यहाँ पर उनके चिराग कौन जलाएगा जहाँ डेंगू फैला हुआ है, आप लोग कुछ करते क्यों नहीं भाई, ताकि बोल रहे हैं, अभी मैं देख रहा था जी, चाहे तारिक जी हो, चाहे प्रदीप जी हो जी, चाहे तकी भाई जी हो, चाहे किदवई जी हो जी, किसी के दो बच्चे ज्यादा नहीं, अच्छा, और सब इस बात चिंता में रहते हैं कि हमारे दो बच्चे रहेंगे, हमारा बच्चे पढ़ जाएंगे, सब समझदार है, जाए समझदार हैं, लेकिन जिनसे वोट लेना है उनसे कहेंगे बच्चे बढ़ाते रहो, क्योंकि हमको आपको अरे भाई आप पार्टी के लोगों ने कहा है, जब तक आप डबल नीति, प्राची ने कहा है, जब तक आप प्राची ने कहा है कि अपनी आबादी बढ़ानी चाहिए, डबल प्राची महाराज ने कहा है, जब तक डबल चलने चाहिए, डबलिंग करते रहेंगे, ऐसे ही आप मुद्दे से भटकते रहेंगे, चोर की दाढ़ी, क्योंकि मैंने तो नाम लिया नहीं, यहाँ तो आज ही अपने आप बताने लगे कि ये मुसलमानों तरफ चला जाएगा, उनका हो जाएगा, आपके बयान कानून बनेगा, कानून बनेगा, देश के सारे लोग कहते रहे कि बीजेपी के नेता से बयान देते हैं भाई, कहते रहे कानून बनेगा, देश के सारे लोगों के लिए बनेगा जी, लेकिन उसको पहले ही नहीं, ये मुसलमानों के लिए बन रहा है, ये उनके लिए बन, क्योंकि इनकी दाढ़ी में चोर से चोर की दाढ़ी में तिनका है, उनको पहले ही लगता है, माँ से शुरू होती मुसलमानों से, माँ पे खत्म हो जाती मुसलमानों के ऊपर, नहीं क्योंकि आगे नहीं जाती, मैं देख रहा था कि चारों प्रवक्ता बंधु इनके नेताओं के दो दो बच्चे, इनके स्वयं दो दो बच्चे, लेकिन जिनका वोट लेना है उनसे कहेंगे तुम बच्चे बढ़ाते रहो, हम आगे देखेंगे भाई, जो भगवान राम को ले आने लिए अभी कांग्रेस के मेरे मित्र कह रहे थे 50 साल से ज्यादा सरकार में रहे, इन्हीं के कानून सरकार ने नसबंदी कानून लाई थी, उस पर चर्चा नहीं करेंगे, अगर देश में कोई सरकार कोई संगठन देश हित के बारे में सोचता है उस पर उंगली उठाएंगे, भाई उन्होंने कहा कि कानून बनना चाहिए, इसमें हिंदू मुस्लिम सबके लिए होना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट होगा देश का नुकसान होगा, लेकिन उस पर चर्चा नहीं करेंगे, अगर इनकी सरकार थी नसबंदी लाए वो इनको जज है, अगर आज मोदी जी ने या केंद्र सरकार या किसी संगठन ने कहा उसका रिजल्ट कानून दे दिया उस वक्त, कानून बनना चाहिए जिससे जनसंख्या विस्फोट न हो, चर्चा नहीं करेंगे, कुछ बोल उसको लेके चले जाएंगे हिंदू मुस्लिम, कुछ बोल रहे क्या बोल रहे, मैंने कहा कि अभी 5-7 योजनाएं मैंने बताई उसमें किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली, सारी बात मुसलमानों को होती है, इतना जो है इतना पैसा सरकार दे रही, इतनी व्यवस्था सरकार कर रही, उस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे, चाइना ने क्या क्या उस पर बोलेंगे, चाइना ने क्या क्या उस पर बोलेंगे, लेकिन भारत ने अच्छा क्या किया उस पर नहीं बोलेंगे, अच्छा आप बताइए अच्छा काम क्या किया, बता दिया मैं, बताइए क्या मोदी जी ने 8 साल में क्या अच्छा काम किया, बताइए सर, बहुत अच्छा काम किया, देखिए ना बैंक भेज दिया, एयर भारत एक ऐसा देश है, खुद का एयरलाइन नहीं, एयर इंडिया भेज दिया सर जी, आप बताए रेलवे बेच रहे हैं, एलआईसी बेच दिया, तो सब देश तो बेच ही रहे, तो इससे अच्छा काम क्या हो सकता, सब तो बेच ही रहे, मोदी जी मोदी जी एयरपोर्ट बना रहे हैं, कितने लोग एयरपोर्ट जा पाएंगे, जहाज लोगों की आमदनी कम हो रही है, मोदी जी एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे बिना पैसे दिए चल पाएंगे आप, क्यों करो सर, ये बिना टोल जहाज नहीं है, 1000 रुपए टोल है करेंगे जाने का, आने जाने में तो पेट्रोल का खर्चा होता है, डीजल, बिना गाड़ी नहीं जा पाएंगे आप, तो टोल पे जाने के लिए आपको गाड़ी चाहिए जिसकी कीमत 7-8 लाख रुपए है, फिर आप वहाँ पे टोल लीजिए, फिर उसमें पेट्रोल नहीं चाहिए, तो अमीरों के लिए है मोदी के प्रति, अरे भाई लगता है कि मोदी भाई आप पैसा भरेंगे जल्दी पहुंचेगी, तो उल्टा है, एक्सप्रेस वे जल्दी पहुंच, समय भी बचाएगा, चाहे किदवई साहब हो चाहे तकी जी, मैं तो कह रहा हूं मोदी जी का बहुत सम्मान है, 24 घंटे देश के लिए काम कर रहा है, लेकिन क्योंकि देश के लिए बात करेगा, सब बता तो रहा है कि इतना अच्छा काम देश में रहेंगे, अरे मोदी की तारीफ नहीं कर सकते, एयरपोर्ट पे जिस देश में खाएंगे एयर इंडिया की तारीफ नहीं कर सकते, कर तो देश में रहेंगे उसकी तारीफ नहीं कर सकते जी, मोदी रहेंगे इस देश में, मोदी जी खाएंगे भारत में, मोदी जी ने कहा था मरने से पहले जमीन भी चाहिए भारत में जी, लेकिन भारत की तारीफ नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा गिर रही है, ये तो मोदी जी ने कहा था, रुपया गिर रहा है, टिकरी पे आ गया भाई, मैंने कहा ना कि रहेंगे इस देश में, उन्होंने इस देश में मरने से पहले जमीन चाहिए इस देश में, लेकिन इस देश की तारीफ नहीं कर सकते, मोदी जी को सुना रहे आपकी मानसिकता ही गलत है, उन्होंने कहा भाई 14 ठीक है, आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर जो बात हमारी हो रही थी वो जनसंख्या नीति पर हो रही थी, क्या अब जनसंख्या नीति बनाने का समय आ गया है, क्या अब जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का समय आ गया है,
कैसे देश की आबादी को बेहतर किया जाए, कैसे देश की जनसंख्या को लगाम लगाई जाए, कैसे संसाधनों का उपयोग को सीमित किया जाए। पर यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण विषय यहाँ भी है कि चर्चा तो होती है पर चर्चा के बीच में कभी स्मार्ट सिटी आ जाता है, कभी आरोप प्रत्यारोप दौर शुरू हो जाते हैं, कभी योजनाओं का पिटारा खोल लिया जाता है, तो कभी पुरानी बातें उखाड़ दी जाती हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर यह बात है कि बात जब देश की होती है, जब देश के लिए कानून की होती है, जब देश के लिए नीति की होती है, तो वहाँ पर सभी लोगों को सुझाव देना चाहिए। अगर कोई काम देश के लिए बेहतर हो रहा है तो वहाँ समर्थन भी देना चाहिए, और अगर कोई सुझाव चाहिए तो सुझाव भी देना चाहिए। पर केवल उसका विरोध करना, केवल उसके लिए आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू करना या उस पर सवाल उठाना, ये बहुत आसान है। पर देश के लिए जोड़ना, देश के लिए बेहतर करने के लिए समर्थन करना और देश की अच्छाई के लिए आगे बढ़ना, ये शायद अब कठिन लगने लगा है। सभी राजनीतिक दल की मैं यही बात करूँगा, अगर अच्छा काम है तो बेहतर है, उसका समर्थन करें, और अगर कोई वास्तव में कमी है तो उसका भी खुलकर विरोध होना चाहिए। और यही भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है, सत्ता पक्ष का काम, और विपक्ष अगर भी अपना काम नहीं करेगा तो भी स्थिति गंभीर ही रहेगी। सुंदरता हमारे लोकतंत्र की यही है, सत्ता पक्ष में अगर कोई कमी होती है उसको उजागर करना, उसको उसके लिए उनको बताना भी विपक्ष की भूमिका है, और फिलहाल विपक्ष को ये भूमिका निभानी पड़ेगी, तभी देश कुछ बेहतर बन सकेगा। तो आज की चर्चा में इतना ही, मुझे जयंती नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।